इंजील मुकद्दस बामुताबिक मुकद्दस यूहन्ना। ऐ खुदावन तेरी तमजीद हो। उसके 19वें बाब की 25वीं आयत से 27वीं आयत तक सुनेंगे। और यीशु के सलीब के पास उसकी माँ और उसकी माँ की बहन हलफाई की बीवी मरियम और मरियम मजदली खड़ी थी। यीशु ने अपनी माँ को और उस शागिर्द को जिससे वो प्यार करता था पास खड़े देखा और अपनी माँ से कहा, ऐ खातून देख तेरा बेटा। फिर शागिर्द से कहा कि देख तेरी माँ। और उसी वक्त से उस शागिर्द ने उसे अपने हाँ ले लिया। इंजील मुकद्दस के वसीले हमारे गुनाह मुआफ़ किए जाएं। ऐ मसीह तेरी सिताइश हो। अजीज मोमिनीन, आज मैं तीसरे कलमे पर जो खुदावन यीशु मसीह के ज़ुबान मुबारका से सलीब पर अदा किया गया उसके बारे में चंद अल्फाज कहने वाला हूँ। ना तो मेरा इतना कद है, ना मेरा इतना इल्म है कि मैं यीशु जैसे वाइज के बारे में, उनके अल्फाज के बारे में अपनी वजाहत दे सकूं। जो कुछ भी है सब कुछ यीशु ही का है। यीशु ही के अल्फाज जो हैं वो मैं आप लोगों की नज़र करने वाला हूँ। ये खूबसूरत कलमा जो आज खुदावन यीशु मसीह अपनी माँ के हवाले से बोलते हैं, अपनी माँ को सुपुर्द करने के हवाले से बोलते हैं, मैं इस कलमे के बारे में इस बात को ज़्यादा तरजीह देना चाहता हूँ कि इस कलमे के अंदर हमें खुदावन यीशु मसीह का प्यार उसकी माँ के लिए और इंसानी रिश्तों के लिए बयान किया गया है। क्योंकि इंसान इस ज़मीन पे खुदगर्ज हो चुका है और ये कलमा खुदावन यीशु मसीह ने खुदगर्जी के जवाब में बोला ताकि लोग जान सकें कि हम इस ज़मीन पे रहते हुए हमें अपने खुदावन यीशु मसीह के अहकामात पर कैसे चलना है और कैसे उसके तरीके से हम लोगों ने अपने ख़ानदानों में भी इस खुदगर्जी को ख़त्म करना है। क्योंकि आज का जो दौर है इसमें हम अपनी ज़िंदगी में देखते हैं कि हर इंसान सिर्फ अपनी ज़ात के बारे में मगन है। इंसान इस बात की सोच ही से आज़ाद हो चुका है कि वो किसी के लिए तकलीफ़ का बाइस है, वो किसी के लिए दुख का बाइस है, वो किसी के लिए अज़ियत का बाइस है। और हर एक इंसान गुनाह करता चला जाता है और भूल बैठा है कि हमारे खुदावन यीशु मसीह ने हमारे गुनाहों के लिए अपनी जान की कुर्बानी दी। और आज जब वो अपनी जान की कुर्बानी दे रहा है तो सलीब पर भी उसे अपने ज़मीनी रिश्तों की कदर बाकी है, जो कि मैं समझता हूँ हम इंसान इस ज़मीन पर रहते हुए खो चुके हैं। और कदर होती भी कैसे ना, क्योंकि जब माँ मुकद्दसा मरियम जिसने खुदावन यीशु मसीह को बाप की मर्ज़ी के मुताबिक अपने हमल में कबूल किया, उसकी परवरिश की, उसको संभाला, उसके साथ चली, और आज सलीब के इस सफ़र में ये माँ न जाने कितनी बार रोई होगी, ये माँ न जाने कितनी बार गिड़गिड़ाई होगी, ये माँ न जाने कितनी बार अपने बेटे को देख के नाला हुई होगी। और आज जब ये माँ उस सलीब के नीचे खड़ी है तो मुझे आज वही मंज़र याद आता है कि कैसे एक दार जो तकवीन की किताब में जिसका ज़िक्र मिलता है, जिस दरख्त का फल खा के अम्मा हवा ने हम सबों से माँ कहने का जो दर्जा जो मकाम छीन लिया था अपने गुनाह के बाइस, आज माँ मुकद्दसा मरियम वही मकाम हमें वापस दिलाने वाली है। एक वहाँ पे दार थी और एक दार आज यहाँ पर यीशु मसीह का है, जिसके ऊपर खुदावन यीशु मसीह हम सबों से हम कलाम होते हैं, जिसके ऊपर खड़े होके अपने आप को कुर्बान करते हुए इस पुलपट के ऊपर, इस अल्तार के ऊपर अपनी कुर्बानी भी देते हैं और अपना पैगाम भी लोगों को पहुँचाते हैं कि कैसे उसने हमारी खातिर ये जान की कुर्बानी दी। हम अगर इन सात कलमात पर गौर करें तो कभी यीशु मुआफ़ करते नज़र आते हैं कि अय बाप इनको मुआफ़ करके ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। कभी खुदावंद वादा करते हुए नज़र आते हैं कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा, यानी हर वो शख्स जिसने यीशु को पहचान लिया निजात उसको तोहफा में मिल जाती है। और मैं
यहाँ पे आज दूसरे कलमे का भी थोड़ा सा जिक्र करता हूं कि जिसमें वो डाकू वो बिल्कुल खुदा के पास है और खुदा की उस फजल से महरूम है। और यहां पे हम देखते हैं कि कैसे मां मुकद्दसा मरियम अपने बेटे के साथ साथ है, फजल से भरपूर है। इसीलिए फरिश्ते ने कहा था कि तू पुर फजल है, तुझ पे फजल किया गया है, वो फजल से पुर आज अपने बेटे के साथ है। और अगर खुदावन यीशु मसीह अपनी माँ को भूल जाते तो शायद हम सबों को आज ये बात नसीब ना होती कि हम मां मुकद्दसा मरियम को अपनी माँ कह सकते। कुछ लोग कलाम मुकद्दस का हवाला दे के ये सवाल करते हैं कि मां मुकद्दसा मरियम को खुदावन यीशु मसीह ने खातून कह के पुकारा है, माँ कह के नहीं पुकारा। मैं आपको बता दूं, कलाम मुकद्दस के अंदर यूं मरकूम है, यूहन्ना की अंजील 19वां बाब उसकी 25वीं से 27वीं आयात में तकरीबन 5 दफा खुदावन यीशु मसीह ने माँ का लफ्ज इस्तेमाल किया है। आपके लिए मैं पढ़ देता हूं। और यीशु की सलीब के पास उसकी माँ खड़ी थी, उसकी माँ की बहन हलफाई की बीवी मरियम और मरियम मजदली खड़ी थी। यीशु ने अपनी माँ को और उस शागिर्द को जिससे वो प्यार करता था पास खड़े देखा और अपनी माँ से कहा, ऐ खातून देख तेरा बेटा, और फिर शागिर्द से कहा, देख तेरी माँ। और उसी वक्त से उस शागिर्द ने उसे अपने हाथ ले लिया। सलीब के ऊपर गौर करें तो 5 जख्म हैं, और उन 5 जख्मों के नीचे अगर गौर करें तो यीशु मसीह 5 ही दफा अपनी मां मुकद्दसा मरियम को बुलाता है, पुकारता है। और ये खातून कहना ये इब्रानी लोगों के लिए ये इज्जत का लफ्ज हुआ करता था, इज्जत और एहतराम के तौर पे बुलाते थे। इसलिए यीशु ने भी आज उसको मां मुकद्दसा मरियम को खातून कहा है। इससे भी बढ़ के तकवीन की किताब में जब खुदावंद ने वादा किया था तो वहां पर भी यही लिखा था कि मैं औरत के और तेरे दरमियान अदावत डालूंगा। ये औरत और कोई नहीं बल्कि मां मुकद्दसा मरियम ही वो खातून है जिसके वसीला से निजात का काम जो है वो यीशु की जिंदगी में पाया, तकमील तक पहुंचता है। यीशु के साथ में वो हमारी निजात के इस काम को मुकम्मल करते हैं। और अगर यीशु मसीह आज यहाँ पे सिर्फ ये कह देता ऐ खातून की जगह कि ऐ माँ देख तेरा बेटा, तो फिर यीशु सिर्फ और सिर्फ अपनी माँ ही को अपने तक रखता, फिर हम लोग इस काबिल ना होते कि मां मुकद्दसा मरियम को कहते। उसने खातून कह के मां मुकद्दसा मरियम को हर एक उस शख्स की मां कह दिया है जिसका मर्तबा पहली हवा खो चुकी थी। आज पहला आदम हम सबों को बचाने के लिए अपनी जान की कुर्बानी देता है, और आज यहाँ पे ये नई हवा हम सबों को फिर से अपनी आगोश में लेती है, हम सबों को ये मर्तबा रुतबा अता फरमाती है कि हम लोग भी उसे अपनी माँ कह सकें। और कलामे मुकद्दस में लिखा है कि उसने माँ से कहा, ऐ खातून देख तेरा बेटा, और फिर शागिर्द से कहा कि देख तेरी माँ। खुदावन यीशु मसीह को भी मां मुकद्दसा मरियम ने जन्म दिया, वो भी एक इलाही तरीके से रूहुल कुद्स की कुदरत से। आज खुदावन यीशु मसीह अपनी मां मुकद्दसा मरियम को जब बेटे के सपुर्द करते हैं, यूहन्ना के सपुर्द करते हैं, और यहाँ पे खुदावन यीशु मसीह ने यूहन्ना का नाम नहीं लिया बल्कि क्या लिखा है, शागिर्द से कहा कि देख तेरी माँ, नाम नहीं लिया। नाम ले लेते तो फिर शायद वो उन दोनों तक रह जाते। शागिर्द को कहा ताकि हम सब भी जो उसकी राह पे चलते हैं, जो ये कलाम सुनते हैं, हम लोग उसके शागिर्द बन सकें। और ये शागिर्द कह के मां मुकद्दसा मरियम को सलीब के नीचे एक बेटा सौंपा। उस बेटे के बाद खुदावन ने हम सबों को भी ये मर्तबा, ये मकाम और ये इज्जत बख्शी कि हम उसकी मुकद्दसा माँ को अपनी माँ कह सकें। यानी खुदावन यीशु मसीह ने सलीब पर भी इस रिश्ते को भुलाया नहीं, बल्कि यीशु को फिक्र थी कि मेरे जाने के बाद मेरी माँ की हिफाजत कौन करेगा, और खुदावन ने ये सारी हिफाजत की जिम्मेदारी, ये मां मुकद्दसा मरियम को अकीदत देने की जिम्मेदारी हर एक मसीही को दी।
हर एक मसीही जो आज ये कलमा सुनता है, जो आज ये कलाम सुनता है, वो जान ले कि हमें अपनी ज़िंदगी में माँ मुकद्दसा मरियम को तरजीह देनी है। ये माँ मुकद्दसा मरियम का जो मकाम है और किसी हस्ती को सौंपा नहीं गया, ये माँ मुकद्दसा मरियम का जो हिस्सा है वो किसी और के हिस्से में नहीं आया, ये सिर्फ माँ मुकद्दसा मरियम ही के हिस्से में आया है, क्योंकि इसने अपने बेटे के आखिरी वक्त तक उसके साथ ये सफ़र तय किया है। क्या कभी आप लोग महसूस कर सकते हैं कि एक ज़मीनी माँ अगर अपने बेटे के हल्का सा कट भी लग जाए तो किस हालत में आ जाती है? तो ये माँ जिसके सामने उसका बेटा भारी सलीब उठा के यरूशलम की गलियों में सफ़र तय करता है, जिसका बेटा बार बार गिरता है और फिर उठता है, जिसको पानी पिलाने के लिए आगे जाती हैं तो पानी पिलाने से भी रोक दिया जाता है, और ये माँ सब कुछ अपनी आंखों के सामने देखती है कि कैसे हाथों में कील ठोके गए हैं, कैसे उसके सर पे कांटों का ताज रखा गया है, कैसे उसके पांव को कीलों से जड़ दिया गया है, और कैसे उसको सिरका दे के उसको और अजियत दी है। ये सारा कुछ जिस माँ ने देखा है वही माँ मुकद्दसा मरियम का दर्द महसूस कर सकती है। और ऐसी अजीम हस्ती के लिए हम न जाने 100 किस्म के सवाल करते हैं, ये वक्त सवाल करने का नहीं है, ये वक्त माँ मुकद्दसा मरियम को अपने घर ले जाने का है, क्योंकि यीशु सलीब पे ये जिम्मेदारी हम सबों को सौंपते हैं। यूहन्ना को शागिर्द को जब कहा तो हम सब भी अपने आप को यही कहते हैं कि हम यीशु के शागिर्द हैं, और हर एक शागिर्द का ये तकाजा है, ये फ़र्ज़ है कि वो माँ मुकद्दसा मरियम को अपने घर में लेके जाए, अपने घर में जगा दे, अपनी खुदगर्जी से निकलें, माँ मुकद्दसा मरियम को अपनी ज़िंदगी में रखते हुए अपनी ख़ानदानी ज़िंदगी को बेहतर बनाए, माँ मुकद्दसा मरियम की कुर्बानी को याद करते हुए और यीशु के उस हुक्म को याद करते हुए हमें माँ मुकद्दसा मरियम को इज़्ज़त और ताज़ीम देनी है। हमें माँ मुकद्दसा मरियम को वही मकाम देना है जो खुदा ने उसको दिया है कि आसमान पे 12 सितारों का ताज उसके सर पे। इससे बड़ी और हमारे लिए बरकत की बात हो नहीं सकती कि जो मकाम तकवीन की किताब में अम्मा हवा के गुनाह से खो चुके थे, आज इसी माँ के वसीला से, माँ मुकद्दसा मरियम के वसीला से हम सबों को वो मकाम फिर से वापस लौट जाता है, फिर से वापस दे दिया जाता है। और कितनी बरकत की बात है कि आज हम माँ मुकद्दसा मरियम को, यीशु की माँ को अपनी माँ कहते हैं। अज़ीज़ मोमिनीन, कहने के लिए बहुत से अल्फाज हैं, कहने के लिए तो ये लड़ाई जो है प्रोटेस्टेंट और कैथलिक्स की इस बारे में लेके की जा सकती है, मैं बहस कर सकता हूँ, लेकिन मैं हरगिज़ आज इस बारे में बात नहीं करता, क्योंकि माँ मुकद्दसा मरियम को जो नहीं मानता वो यीशु मसीह का पैरोकार नहीं हो सकता। इसलिए ये वक्त इस बहस से निकलने का है। आज हर एक शख्स माँ मुकद्दसा मरियम को अपनी ज़िंदगी में जगा दे, वो हमारी शफात करती है। ये वही माँ है जिसके कहने पे बेटे का वक्त हनूज नहीं भी आया तो भी वो मौजज़ा कराती है। काना गलील की उस वाक्य को याद कीजिए, यीशु ने कहा हनूज मेरा वक्त नहीं आया, और माँ ने कहा कि जो ये तुमसे कहता है वो करो, और यीशु ने माँ की बात को हरगिज ना टाला। आज सलीब के नीचे 5 जख्मों को तो जरूर देखते हैं, उसके लिए बहुत बड़े बड़े वाज भी करते हैं कि यीशु ने 5 जख्म उसके सर पे हैं तकलीफ से, लेकिन कोई उस रूहानी उस अंदरूनी दर्द को भी जाने जो माँ मुकद्दसा मरियम ने अपने बेटे के लिए कबूल किया है? कोई उस सफ़र को भी देख ले कि जो माँ मुकद्दसा मरियम ने अपने बेटे के साथ किया है, इसीलिए यीशु मसीह अपनी माँ को तनतनहा नहीं छोड़ना चाहता था, और वो चाहता था कि उसका भी कोई जिम्मेदार हो, उसको कोई संभालने वाला हो। वो इस फानी दुनिया के अंदर, इस जालिम दुनिया के अंदर अपनी माँ को अकेला नहीं छोड़ के जाना चाहता था, गो के उसके हिफाजत के लिए खुदा फरिश्ते भी भेज सकता था, खुदा और बहुत से काम कर सकता था, लेकिन खुदावन ने अपने शागिर्द जो सबसे प्यारा शागिर्द यूहन्ना था उसके सपुर्द किया। यहाँ पे आज एक बेटे को माँ मिल गई और एक माँ को उसका बेटा मिल गया, इन दोनों माँ बेटा के वसीला से हम दोनों को खुदावन यीशु मसीह भी मिल जाता है। हम सबों को
माँ मुकद्दसा मरियम भी मिल जाती है और शागिर्द होने के लिए रास्ता भी मिलता है कि जो कोई माँ मुकद्दसा मरियम को अपने घर में लेके जाए, अपनी ज़िंदगी में लेके जाए, वो खुदावंद का अच्छा और सच्चा शागिर्द बन सकता है। क्योंकि माँ मुकद्दसा मरियम हर काम में, हर बात में खुदा के कलाम पर गौर किया करती थी, वो सरासर खुदा के कलाम पर अमल करती थी। उसी अमल के वसीला से आज यसु अपनी माँ हम सबों को सौंपता है। तो आइए इस वक्त में हम माँ मुकद्दसा मरियम को अपनी ज़िंदगी में जगा दें। माँ मुकद्दसा मरियम हमारी शिफात करती है। माँ मुकद्दसा मरियम हमारे हर एक काम में हमारे साथ रहती है। बात क्या है सिर्फ माँ के उस रुतबे मकाम को पहचाने और खुदावन के इन अल्फाज पे गौर करें कि देख तेरी माँ और देख तेरा बेटा। आज हम माँ को देखते हैं, बेटा अपना आप हमें खुद से सौंप देगा क्योंकि उसने हमारी निजात के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दी। ये जो सलीब यसु ने ली है, ये सलीब ना समझें, ये वो सारे के सारे गुनाह हैं जो हम लोगों ने किए हैं, वो अपने कंधों पे इसका बोझ उठाता है। और ये भी ना सोचिएगा कि ये 2023 साल पहले की बात है कि यसु के दौर में लोगों ने गुनाह किए। आज भी हम लोग वैसे ही गुनाह करते हैं, जब खुद गर्ज हो जाते हैं, जब अपनी ज़िंदगी में सिर्फ अपनी ज़ात के बारे में सोचते हैं, जब इस ज़मीन पर रहते हुए गुनाह करते हुए भी गुनाह को गुनाह नहीं जानते, तो भी हम लोग खुद गर्ज हो जाते हैं। ये खुद गर्जी को मिटाने के लिए यसु ने अपनी जान की कुर्बानी दी है ताकि हम सब बचाए जा सकें। और बचाए जाने के लिए यसु मसीह ने रिश्तों की अहमियत भी समझाई है। हम इस रिश्ते की अहमियत को जानें जो यसु ने अपनी माँ मुकद्दसा मरियम हमें सौंपते हुए दिया है। हम इस रिश्ते को अपनी ज़िंदगी में तरजीह दें, माँ मुकद्दसा मरियम को ख़ानदान में रखें ताकि हमारे ख़ानदानी ज़िंदगियाँ भी दुरुस्त हो सकें और हम अपने माँ बाप की इज़्ज़त कर सकें। क्योंकि माँ के वसीले से बरकत है, जन्नत है, खुशहाली है। जैसे यसु मसीह ने माँ मुकद्दसा मरियम हमें सौंपी है, आज माँ को अपने घर लेके जाते हैं और उस वतन के लिए तैयारी करते हैं जो हमारे लिए खुदावंद यीशु मसीह तैयार करता है। खुदावंद हमें ऐसा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।